केखा देखा नहीं हो मोदी जी का? मोदी तो आई नहीं रहे, तो कहाँ ते देख लिया? तो वोट तो मोदी के देब ना भैया। तुम तो कहो कह रहे मोदी आ रहे? हाँ। झूठी बोलोगा ना? अब यहाँ सबे को आवा जैसे चाहे जेकी मीटिंग मान वोट में मोदी के देब ना। अब पैसा ही सम्मेलन की बात भाई, मिली है कि नहीं मिली है? अब देखो कहा तो है भैया मिले, हम नहीं जाने तो मिले कितना दिए। कुछ तो बोले हुए 100, 200, 300 कितने मिल रहे पर पर्सन? सबका 100-100 मिल रहे। और अमित शाह का जानती हो? नहीं। अमित शाह का नहीं जानती हो? वो नहीं का तो सुने ना ही हो। तो दिनेश सिंह आए बोले थे हैं 100 रुपया मिली है, और ये लोग तो कह रहे 300 रुपया मिल रहे। अरे भैया जिनका जज दिया तो भाई मुदे की तुम्हें 100 मिल रहे हैं। चलो ठीक, सही बात है। आत्माओं का ये नरेंद्र मोदी का काम है। अच्छा, क्यों पास एक क्लिप थी? क्योंकि अडानी महिलाएं बता रही थी कि 100 रुपए 150 रुपए लेके लाया गया, और वो जानती नहीं अमित शाह कौन है। भाई और बहनों, भाई मैंने वहां उनके कार्यकर्ताओं से पूछा कि इसमें कितनी सच्चाई है, तो उन लोगों ने अमेठी में घेर लिया और उसके बाद मारा है। राइफल की फैक्ट्री लाया था, पीछे रूम में बंद कर दिया है। नरेंद्र मोदी अडानी को नाम नहीं जानता, अज्ञात लोगों पर FIR हुई है, लेकिन भाई और बहनों साथियों ने बताया इसलिए बनाया गया है। वो जो प्रत्याशी है उनके चुनाव का मीडिया देखने वाले किसान के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को, उनके साथ के ही दो तीन लोग जवान नहीं मजदूर बनाया गया है। क्यों? अडानी जी को फायदा पहुंचा रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल सारे के सारे आवाज है वो उठाई ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे अच्छा लगा जानकर के सारे पत्रकार किसी पार्टी का नहीं आ रहे, अडानी। मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आवाज ना उठाने का मतलब है उस चीज को सही मानना। सोचता हूँ सवाल का जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अगर प्रधानमंत्री से मिलने आते हैं भाई और बहनों, पहला जो आज उनके लिए कहा जा रहा है शायद 30 लाख सरकारी नौकरियां, जैसे हम लोग हैं 15 अगस्त तक मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सच नहीं दिखाती है। यहाँ कहाँ आई है आप? ये बहुत सारी कौन सी मीडिया आई है आज तक? आया है जेटिन, आया है जी न्यूज, आया है, दिख रहा है आपको? और हिंदुस्तान के गरीब लोग मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो सरकार हालात को नहीं दिखा रहा है। हम जैसे जो ठेकेदारी काम करेंगे है, और जिस दिन इनको निकालना होता है हम लोग निकाले जाएंगे, दिखा रहे हैं हम लोगों पर हमला हो रहा है भाई और बहनों, उसके बारे में आप? इसीलिए सरकार में मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर में हम जो कांग्रेस पार्टी की सरकार किसी एक मीडिया गठबंधन की सरकार ठेकेदारी प्रथा को बंद करना चाहिए। 40-50 हजार से अगर नौकरी मिलेगी, ऐसे में अगर साल में एक बार आदमी हमें पीट दे तो लाख लाख नौकरी मिलेगी, कब तक ये काम कर पाएंगे अगर सरकार इसको लेकर जागरूक? गरीबों को मिलेगी, कमजोर को मिलेगी, किसानों को मिलेगी। हम लोग अमूमन सरकार से सवाल पूछते हैं, जब हम लोग सरकार से सवाल पूछते हैं तो हम लोगों के जो और भाई और बहनों फेसबुक चैनल है उनकी भी डाउन कर दी जाती है, डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। यहाँ पे बेरोजगार हम लोगों की जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि हम लोगों को कॉर्पोरेट से चंदा नहीं मिलता है ना हमको अतिरिक्त पैसा कहीं से मिलता है। हम लोगों की जो इनकम का स्रोत है वो हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, ठीक है। सरकार से जब हम सवाल पूछना चालू करते हैं तो सरकार फेसबुक या यूट्यूब हमारा जो चैनल बंद कर देती है, ठीक है। इसके बारे में क्या कहना है, हम लोग कहाँ जाए उसके लिए? यहीं रहिए इसी देश में, जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग जाएंगे। अंबानी जी का धन्यवाद, आप यहीं रहिए अपना काम करिए। और ऐसा नहीं है कि इस देश को आजादी पत्रकारों ने दिलाई, ठीक है, तो देश का बेहतर काम, ठीक है, कुछ बात तो होता है। धन्यवाद।